हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए प्रैक्टिस सेट भाषा और जीवन कौशल प्रबंधन व अभिवृत्ति के। हालांकि जीवन कौशल प्रबंध व अभिवृत्ति हम डायरेक्ट भी डिस्कस कर रहे हैं, उसकी भी वीडियोस मैं अपलोड कंटिन्यूसली करते जा रही हूँ, बट आपकी डिमांड जब मैं वैसे आपको डायरेक्टली पढ़ाती हूँ तो होती है कि आप नोट्स रिटन फॉर्म में दीजिए। जब रिटन फॉर्म में देती हूँ तो आप कहते हैं कि थोड़ा सा और डिटेल से एक्सप्लेन करिए। तो मैं आपको दोनों ही तरह से दे रही हूँ, आपको प्रैक्टिस सेट भी मैं डेली प्रोवाइड करा रही हूँ, साथ में आपको डायरेक्टली भी पढ़ा रही हूँ, जितना जैसा भी मैनेज हो पा रहा है, क्योंकि टाइम बहुत कम है, बहुत सारा कंटेंट डिस्कस करना है। तो अभी टाइपिंग में टाइम वेस्ट इतना नहीं कर सकते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड आई एम अलोन, मतलब मैं अकेले ही सब सारा काम करती हूँ यूट्यूब से रिलेटेड, नोबडी इज़ हियर टू हेल्प मी। तो चलिए देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इसमें मैंने हिंदी इंग्लिश इंक्लूड किया है और जीवन कौशल प्रबंधन अभिवृत्ति। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है, शिक्षा में किस प्रकार की नैतिकता को स्थान दिया जाता है? वर्णनात्मक, व्याख्यात्मक, भावनात्मक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सी नैतिकता को स्थान दिया जाता है शिक्षा में? तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्णनात्मक नैतिकता को। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे, थोड़ा फास्ट चलूंगी, आप सबकी डिमांड है ये फास्ट चलने की। जन्मजात अभिप्रेरकों के प्रकार लिखिए। जन्मजात अभिप्रेरक कौन कौन से होते हैं? तो भूख, काम, उपरोक्त दोनों या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? भूख और काम दोनों ही जन्मजात होती है, तो ये आपका उपरोक्त दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय, व्याख्यात्मक, उपरोक्त सभी। तो अगेन इसका आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त, सभी तीनों प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं, प्रश्न पत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? प्रश्न पत्र के लिए वैधता, विश्वसनीयता, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे वैधता भी इंपॉर्टेंट है, विश्वसनीयता भी, तो उपरोक्त दोनों आ जाएगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, असर का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म आपको बताना है इसका। तो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन फॉर रूरल इंडिया, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन फॉर रिलीजन, ऑटोमेटेड सिस्टम ऑफ एजुकेशन फॉर रूरल इंडिया या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन फॉर रूरल इंडिया, असर। नेक्स्ट है आपका, सर्व शिक्षा अभियान का ध्येय वाक्य बताइए। आपको ध्येय वाक्य बताना है सर्व शिक्षा अभियान का। सब पढ़े सब बढ़े, सब पढ़े सब पढ़ाएं, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, साक्षर हो अब देश हमारा। सही आंसर, बहुत ही फेमस है, सब पढ़े सब बढ़े। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एमडीएम के लिए वित्त प्रावधान के स्रोत बताइए। एमडीएम के लिए जो पैसा आता है वो कहाँ से आता है? तो केंद्र सरकार द्वारा 50% और राज्य सरकार द्वारा 50%, मतलब इक्वल देते हैं। केंद्र सरकार द्वारा 60% और राज्य सरकार द्वारा 40% धन दिया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा 40%, राज्य सरकार द्वारा 60%, या फिर पूरा खर्च जो है वो राज्य सरकार ही वहन करती है। तो आई जस्ट होप कि आपने गेस कर लिया होगा सही आंसर। मैं आपको इसका सही आंसर बता दूँ, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 60% केंद्र सरकार देती है और 40% जो है वो आपकी राज्य सरकार वहन करती है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर एट पर, भारविहीन अधिगम की संकल्पना किस समिति द्वारा प्रस्तुत की गई थी? भारविहीन अधिगम की संकल्पना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप देख लीजिए सारे ऑप्शन फटाफट से। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यशपाल समिति, भारविहीन अधिगम। अध्यापक पात्रता परीक्षा की शुरुआत उत्तर प्रदेश में कब से हुई है? ये आपको बताना है, यूपी में कब से स्टार्ट हुआ है? 2008 से, 2011 से, 2012 से, 1993 से यूपी में स्टार्ट हुआ है कब से? तो बहुत ही फेमस है, सभी को पता होगा, 2011 में पहली बार यूपी में टीटी एग्ज़ाम हुआ था। त्रिभाषा सूत्र किसने दिया है? ये शायद हम लोग डायरेक्टली भी डिस्कस कर चुके हैं, है ना? त्रिभाषा सूत्र किसने दिया? तो ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने, कोठारी आयोग ने, हंटर आयोग ने, यशपाल समिति ने। तो ये किसने दिया है? कोठारी आयोग ने, त्रिभाषा सूत्र। केंद्रीय विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? केवीएस दिया था डायरेक्टली, लेकिन आपको रिटर्न फॉर्म में भी चाहिए तो मैंने फाइनली इंक्लूड कर दिए हैं कुछ क्वेश्चन जो मुझे अच्छे लगे। केंद्रीय विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन देख लीजिए, 15 दिसंबर कॉमन है सब में, फिर 1963, 65, 1983 या 86। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 1963। अब यहाँ से हमारा आ जाता है इंग्लिश।
इंग्लिश के लिए बहुत लोगों की आई है डिमांड कि थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए चलूं, और मैं क्या करूं, मतलब सब कहते हैं फास्ट चलिए, अब जब मैं एक्सप्लेन करती हूँ, फास्ट चलती हूँ तो सब कहते हैं एक्सप्लेन करिए, तो मैं इंग्लिश एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि इंग्लिश बहुत ही, जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ऑब्वियसली टफ हो जाती है, तो इसको एक्सप्लेन करूँगी, तो जिनकी अच्छी इंग्लिश है वो थोड़ा धैर्य बनाए रखेंगे। ओके तो देखते हैं यहाँ पे। वेन ही लेफ्ट ही वॉज एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड, आई थिंक ही इज़ गॉन फॉर गुड। यहाँ पे आपको जो अंडरलाइन वर्ड है इसका मतलब बताना है, फॉर गुड का मतलब यहाँ पे इस सेंटेंस में क्या है। परमानेंटली, टू बी अ गुड प्लेस, टू सीक फुड गुड फॉर्च्यून, टू अ फॉरेन कंट्री। इसका पूरे सेंटेंस की मैं हिंदी एक्सप्लेन कर दूँ कि यहाँ की जब वह मतलब यहाँ से गया तो वो बहुत ही जब डिसअपॉइंटेड था, हताश उदास आप ये ऐसा कह सकते हैं, तो मुझे लगा कि वो फॉर गुड, अब ये तो इसकी हिंदी नहीं बताऊंगी यही तो आपको बताना है, फॉर गुड के लिए गया। अब गुड के लिए यहाँ पे मीनिंग क्या है आप देख लीजिए, सही आंसर इसका हो जाएगा परमानेंटली, यानी मुझे लगा कि हमेशा के लिए गया। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो सी स्टूड ब्लैंक द क्राउड क्वाइट अमेज्ड, आपको प्रीपोजिशन यहाँ पे फिल करना है, तो देख लीजिए सी स्टूड मतलब खड़ी थी, क्राउड मतलब भीड़ होता है, ठीक है, तो भीड़ में चुपचाप खड़ी हुई थी हैरान सी। तो अभी आप यू यहाँ पे देखना है, अभी मैंने आंसर ही बता दिया हिंदी से, यहाँ पे क्या आएगा, इन टू, अमंग, इन, विद इन। प्रीपोजिशन का ऑलरेडी मैंने आपको दो तीन वीडियो दे रखा है क्योंकि प्रीपोजिशन के क्वेश्चन आने ही आने होते हैं, कंफर्म है ये, नहीं देखा है तो इंग्लिश के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, जल्दी से गेस करिए आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इन, ठीक है, सी स्टूड इन द क्राउड, ठीक है, भीड़ में खड़ी है। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वेयर इज 14, आई थिंक 14 इज मिसिंग, एक क्वेश्चन का नुकसान हो गया, चलिए कोई नहीं यही देख लेते हैं। 15 नंबर, आई शैल अनलॉक द सीक्रेट ऑफ देयर सक्सेस ही सेड, आपको क्या करना है इसको इनडायरेक्ट नरेशन में बताना है, तो देख लेते हैं इसका सही क्या होगा, एक बार पढ़ लीजिए पूरा, मतलब आई शैल अनलॉक द सीक्रेट ऑफ देयर लाइफ ही सेड। अब यहाँ पे आप देखिए, ही सेड दैट ही शैल अनलॉक द सीक्रेट ऑफ देयर सक्सेस, ही सेड दैट ही शुड अनलॉक द सीक्रेट ऑफ देयर सक्सेस, ही सेड दैट ही वुड अनलॉक द सीक्रेट ऑफ देयर सक्सेस, ही सेड दैट ही विल अनलॉक द सीक्रेट ऑफ देयर सक्सेस। तो आपको फटाफट से इसको चेंज कर लेना है, कन्वर्ट कर लीजिए, सारे रूल्स आई थिंक आपको पता है क्योंकि इसका वीडियो ऑलरेडी मैं नरेशन का दे चुकी हूँ, उसमें सारे रूल मैंने डिस्कस किए हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ही सेड, तो आपका पहले लग जाएगा, आपको पता ही है ही सेड दैट लग जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आई जो है वो चेंज होगा इसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे ही हो जाएगा, और शेल का आपका जो है क्या हो जाता है, शेल हो चाहे विल हो दोनों का वुड ही होगा, फिर उसके बाद पूरा एज इट इज ही रहेगा। ओके रूल्स आपने नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके नरेशन के, बहुत ही मतलब बच्चों वाली बुक से समझाया हुआ है तो वो तो समझ में आना ही आपको। एंटोनिम ऑफ वैल्यूएबल, ठीक है, वैल्यूएबल, बहुमूल्य, अमूल्य, वट एवर, तो इसको आपको क्या बताना है, कीमती, उसका आपको विपरीतार्थक शब्द बताना है। ऑप्शन सारे आपके सामने हैं, लोली, इन्फीरियर, वर्थलेस, इनवैल्यूएबल, सो द राइट आंसर इज वर्थलेस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, एन इवेंट दैट कॉजेज ग्रेट हार्म और डैम, एन इवेंट वह घटना जिससे बहुत ही भारी मात्रा में नुकसान हो चीज़ों का या लाइफ का, उसे क्या कहते हैं, पेन, रिलीफ, डिजास्टर या प्रॉब्लम। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डिजास्टर, ठीक है, आपदा जो आती है उसको कहते हैं, पेन तो दर्द है, रिलीफ मतलब तो आराम हो गया आपका, प्रॉब्लम आप समस्या, ये तीनों ही नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं, यू फाइंड अ ब्लैक शिप इन एवरी कमिटी कम्युनिटी, ब्लैक शिप का मतलब यहाँ पे आपको बताना है, ब्लैक शिप का मतलब क्या है कि आपको हर एक समुदाय कम्युनिटी कम्युनिटी में आपको एक ब्लैक शिप मिल ही जाएंगे। अब ब्लैक शिप है क्या, पर्सन विद बैड रेपुटेशन, वन हु डज नॉट कोऑपरेट, वन हु इज ऑलवेज डूइंग रॉन्ग, वन हु लिव्स द लाइफ ऑफ शेम, जिसकी रेपुटेशन खराब हो, ठीक है, खराब रेपुटेशन वाला, जो कोऑपरेट नहीं करता हो, ठीक है, जो हमेशा गलत ही करता हो, या जो शर्मिंदगी के लिए जिंदगी जी रहा हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, द पर्सन विद बैड रेपुटेशन।
सैनोनिम बताना है आपको समानार्थी शब्द सिली का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिली मतलब बुद्धू, फुलिश मीन्स बुद्धू। सो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, इसके बाद आपका हिंदी आ रहा है। एनिमल्स दैट ईट फ्लैश, एनिमल्स दैट ईट फ्लैश उन्हें क्या कहते हैं? वो एनिमल्स जो फ्लैश खाते हैं मतलब कि मांसाहारी होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं इंग्लिश में? ओमनीवोरस, कार्निवोरस, हर्बीवोरस, इंसेक्टिवोरस। तो इसका सही आंसर, यस इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कार्निवोरस जो सिर्फ फ्लैश खाते हैं, हर्बीवोरस होते हैं जो सिर्फ शाक खाते हैं मतलब प्लांट्स खाते हैं, और ओमनीवोरस होते हैं जो ये दोनों चीज़ें खाते हैं, एंड इंसेक्टिवोरस जो इंसेक्ट्स खाते हैं। आगे देख लेते हैं, हमारा आ जाता है हिंदी। अच्छा मुझे बहुत खुशी है कि आपको क्वेश्चंस इजी लग रहे हैं, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चंस इजी लग रहे हैं इसका मतलब कि आपने तैयारी की है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। सो आगे बढ़ते हैं। क्या आप जा रहे हैं, क्या में कौन सा निपात है? आपको निपात बताना है यहाँ पे। क्या आप जा रहे हैं, तो क्या में कौन सा निपात है आपका? ऑप्शंस देख लीजिए, सही आंसर हो जाएगा प्रश्न बोधक। ठीक है, इससे प्रश्न पूछा जा रहा है। मैं भी यह जानता हूँ, मैं भी यह जानता हूँ, इस वाक्य में भी में कौन सा निपात है? बलदायक निपात, निषेधात्मक निपात, नकारात्मक निपात या स्वीकारात्मक निपात? सही आंसर इसका हो जाएगा आपका बलदायक निपात, है ना? बल दे रहा है इस बात पे कि मैं भी जानता हूँ। अब देखिए बार बार निपात वर्ड आ रहा है, तो ये होते कितने टाइप के हैं टोटल, कितने प्रकार के होते हैं? 5, 7, 8 या 9? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 9, ऑप्शन नंबर डी, 9 प्रकार के होते हैं। उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश है, उर्वरा मतलब क्या होता है आपको ये बताना है। ऊसर भूमि, समतल भूमि, बंजर भूमि या उपजाऊ भूमि उर्वरा? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? उपजाऊ भूमि। उपजाऊ भूमि ही होगा ना, अगर मैं गलत हूँ तो आप बता दीजिएगा, क्योंकि इसको लेके थोड़ा सा मुझे भी डाउट है, कभी कभी हो जाता है। चलिए देखते हैं, गाल बजाना का अर्थ है, गाल बजाना का क्या अर्थ है? पिटाई करना, गाली देना, डींग हाँकना या क्रोधित होना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डींग हाँकना। आई जस्ट होप कि आज मैं फास्ट चल रही हूँ। शुद्ध शब्द कौन सा है? एक आता है आपका, है ना, शुद्ध वर्तनी वर्तनी वाला, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, सच्चितानंद, सच्चिदानंद। सो विच वन इज राइट? यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सच्चिदानंद। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, क्योंकि अभी इसी टाइम शूट कर रही हूँ, आज संडे है तो बहुत शोर हो रहा है। एनीवेज 27th नंबर देख लेते हैं। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? देख लीजिए सारे शब्द, सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुसुप्ति। नेक्स्ट है आपका सही वर्तनी छाटिए, देख लीजिए तीन चारों ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं, तो सही वर्तनी इसमें कौन सी है? क्योंकि आता है, एक क्वेश्चन आता है आपका वर्तनी से, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, ज्योत्सना। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? दयानंद में कौन सी संधि है आपको ये बताना है। तो देखिए इसका विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? दयाधन, आनंद, तो आपका हो जाएगा ये अकह सवर्णी दीर्घ से दीर्घ संधि। कपीश में प्रयुक्त संधि का नाम है, कपीश में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है आपको ये बताना है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? कपिधन ईश, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि इसका भी सही आंसर होगा। और यहाँ पे एक क्वेश्चन बीच में मिसिंग था, तो आपके 29 क्वेश्चन हुए हैं। तो चलिए पीएनपी की तरह एक क्वेश्चन कॉमन दे रही हूँ आपको, एक नंबर आपके कॉमन है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कितना आपका सही हुआ है, और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर नहीं किया है तो। और आपको वीडियो कैसे लगे, क्वेश्चंस कैसे लगे बताइएगा। हाँ, अगर आपको क्वेश्चंस इजी लग रहे हैं इसका मतलब है आपकी अच्छी तैयारी है, और इजी नहीं लग रहे हैं तो आपकी तैयारी आपको करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है। पीडीएफ के लिए आपने कहा है, तो पीडीएफ के लिए हाँ अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ भी वो किया नहीं, क्योंकि टाइम मैनेज हो नहीं पा रहा है, यू नो रात रात भर बैठ के मैं लिख रही हूँ और हो नहीं पा रहा है एग्जैक्टली। लेकिन अगर आपको फिर भी रिक्वायर्ड है, तो जैसे मेरी कुछ कुछ पुराने वीडियोस की सीरीज है, जिसमें 200 क्वेश्चन रिवीजन क्वेश्चंस हैं, 200 के रिवीजन क्वेश्चंस हैं सारे ही सब्जेक्ट के, तो उसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा सकती हूँ। अब कैसे कराऊँ ये अभी मुझे आइडिया कुछ है नहीं,
तो बहुत ही जल्दी मैं आपको बता दूंगी, 2 4 दिन के अंदर मैं बता दूंगी कुछ ना कुछ किसी से एडवाइस लेकर ही कि हाउ टू शेयर माय पीडीएफ और किस तरह से उसके ऊपर वर्क भी कर रही हूँ अभी। तो ये जैसे ही कंप्लीट होता है तो मैं आपको प्रोवाइड कराती हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, बाय बाय।